तुझे माफ किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपनी वो मी टू वाली पिछली वीडियो के तसलसल के तौर पर। और जान लीजिए कि कोई भी राय कायम करने से पहले मेरी वो पिछली वाली वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। वो लंबी वीडियो है तो टुकड़ों में ही देख लें, लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वरना आपको इस मामले में राय देने का कोई हक नहीं है। ठीक, और गौर से सुने कि पाकिस्तानी अमूमन बहुत गयूर होते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान की असल तर्जुमानी किस पाकिस्तानी भाई ने की। उन पाकिस्तानी भाई का नाम है सैयद मुसर्रत खलील। जी हाँ, पाकिस्तानी वैसे ही होते हैं जैसे सैयद मुसर्रत खलील हैं। अस्सलाम वालेकुम, बुरा मानने की बात नहीं है, बहनों हमारी इस फुद्दी का मुझे मत भेजा करो, साले का समीर अजीज का आप देखे खुद ही थरक निकाल लिया करो। लेकिन सबसे पहले अहम बात यह है कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम ने जनाब शाहिद नईम की जानिब से बेहूदगी करने के नतीजे में अपनी कयादत में तब्दीली की, जिससे उन्होंने खवातीन के एहतराम का इजहार किया, और ये बात काबिले सताइश है। देखिए, पाकिस्तान के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, और इस एहतराम और चाहत का इजहार पाकिस्तान के लोगों ने मेरी उस पिछली वीडियो के नतीजे में बड़ी शिद्दत से किया, मैं उसकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये साबित किया कि हाँ, हम गैरतमंद हैं और गलत को गलत करार देते हैं, नीज खवातीन का एहतराम भी लाजम समझते हैं। मैंने वो पहली वीडियो इसलिए बनाई थी कि मैं चंद गैर महज़ब लोगों की जानिब से, जो पाकिस्तान के गयूर अवाम की तर्जुमानी हर गिज नहीं करते, इनकी तरफ से खवातीन पर तोहमत जनी की बेहूदा रविश को बिल्कुल ख़त्म कर दूँ, जिसकी वजह से खवातीन की हमेशा दिल आज़र्दगी होती है। मेरे पास सबूत है कि महज़ब लोगों ने इन लोगों की महफिल में उठना बैठना सिर्फ इसी वजह से छोड़ दिया कि वहाँ खवातीन के लिए बुरी बातें की जाती हैं। मुझे पिछले 20 सालों से हमेशा कोई ना कोई खातून इन गैर महज़ब लोगों की इस हरकत के नतीजे में परेशान और आज़रदा नजर आती रही है। देखें, इस बात का आपको इदराक करना होगा कि मैं एक तरबियत याफ्ता बहुत पुरानी जर्नलिस्ट हूँ, इसलिए नेचुरली मेरी सेहत पर ऐसी बातों का कोई असर नहीं होता। हज़ारों आंधियाँ चली, हज़ारों तूफान आए, मेटासेमस नहीं होती जनाब, लेकिन मैंने वो वीडियो सिर्फ उन बाकी खवातीन के लिए बनाई जो इस किस्म की जलालतों का निशाना बनी। मैं उन सब खवातीन की आवाज़ बनी। खवातीन इस वीडियो के नतीजे में मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रही हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने अपनी मी टू की उस वीडियो में तमाम कमेंट्स एज इट इज पेश किए। इनमें से कुछ कमेंट्स तो मेरे खिलाफ भी थे, जैसे किसी ने लिखा कि किस बात का शोर मचा रखा है, जब कामयाबी हासिल करने का इतना ही शौक है तो ये सब तो बर्दाश्त करना होगा, वगैरह वगैरह। तो जनाब, मैंने वो वीडियो नसीहत के लिए बनाई है। मैंने उस दिमागी फतूर और बीमारी की काउंसलिंग की कि आप खवातीन के पाक चेहरों को देखकर उसकी शर्मगाह का तसव्वुर करें तो कहें नाउज़ुबिल्ला, अपना नफ्सियाती इलाज करवाएं। ओ भाई, चेहरा तो खुद अल्लाह अपने हाथों से बनाता है। मैंने वो वीडियो बनाकर उस कमजरफी की हौसला शिकनी की जब एक वुमेन अब्यूजर एक कामयाब और आला तालीम याफ्ता मुदब्बिर औरत को देखकर, यानी मुझको देखकर, एहसास कमतरी में मुबतला हो गया और मुझे कमतर साबित करने के लिए बेवकूफ़ों वाली बातें करता है, मुंह पर बहन कहकर पीठ पीछे शर्मनाक तोहमत लगाता है। मुनाफिकत की हद है यार। मैंने उस वीडियो में इस अहम बात की तरफ तवज्जो रागिब करवाई कि हम जैसी मेहनत करने वाली खवातीन काबिल एहतराम होती हैं, इसलिए माशरे में मेहनत का प्रचार कीजिए, वरना आपकी लड़कियां बेदक रही हैं। मैं लोगों को मेहनत करने की तहरीक देती हूं, अपने हीरे जवाहरात तो नहीं दिखाती ना। देखिए, मैं अपना बैकग्राउंड आपको बताती हूं ताकि कुछ आपको अंदाजा हो। बहुत सारे लोग हैं वो नमूदो नुमाइश करते हैं अपनी वीडियोस में, सामईन है उसको एंजॉय भी करते हैं। मेरे वालिद नेवी का बहादुरी का तमगा हासिल किए हुए एक बहादुर गाजी थे, मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए मेरी जरूरतों को तो चैलेंज करने के बेवकूफ़ी नहीं करना। और बहुत आला और शरीफ ख़ानदान से मेरा ताल्लुक है, मेरे शौहर आला तबके से हैं और मैं खुद भी ज़ाती तौर पर अपनी कई कंपनियों की मालिक हूँ, मेरी अपनी शनाख्त है, मीडिया में भी मेरा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आपने कभी मुझे मेरे सोशल मीडिया समीरा अजीज़ ऑफिशियल में इन सब चीज़ों की नमूदो नुमाइश करते या अपनी दौलत दिखाते हुए देखा?
कभी भी नहीं, मैं सिर्फ अपना काम और मेहनत दिखाती हूँ, मेहनत का फल यानी अपने अवार्ड्स दिखाती हूँ, पॉजिटिविटी और सपोर्ट स्माइल का प्रचार करती हूँ, क्योंकि मैं लोगों को मेहनत और लगन से काम करने पर उकसाना चाहती हूँ। और छुपाता वो है जो चोरी चकारी करता है, मैं तो दिखाने वाले काम करती हूँ और सबको काम पर लगाना चाहती हूँ। दैट्स इट। एक बहुत अहम बात सोचिए, मैं जनाब शाहिद नहीं कि इस गलत हरकत पर एक्शन ले सकती थी। सऊदी कानून इस सिलसिले में बहुत सख्त है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में आज खुद नोटिस लेते हुए मस्कूरा इदारे की तरफ से जनाब शाहिद नईम से रब्ता भी किया गया था। माफ़ी का आखिरी हक मेरे पास है, अगर मैं ये हक इस्तेमाल करूँ तो ये बात हतमी है कि उनको सऊदी अरबिया से खुरूज में भी भेजा जा सकता है। लेकिन मैंने ये सोचकर एक्शन नहीं लिया कि इसमें इनकी बीवी बच्चों का क्या कसूर है। अगर मेरे लिए जाती मसला होता ना ये, तो मैं ताकत के नशे में चूर होकर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती थी। मेरे पास इसके अलावा भी इस किस्म के इनके साथियों के मेरे पास बहुत पुख्ता सबूत हैं, जो इससे कबल साल आ साल से मेरी हार्ड डिस्क में मौजूद हैं, लेकिन मैंने हमेशा दरगुजर किया। अल्लाह माफ़ करे तकब्बुर से, लोग मुझे हमेशा मुस्कुराहटों से ही पहचानते हैं। मैं माशरे को इस्लाह की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ जनाब। बदला लेने से इस्लाह नहीं होती है, मैंने सिर्फ इस्लाही वीडियो बनाई थी और कानूनी चारजोई का हक इस्तेमाल करने वाला कोई भी सीरियस एक्शन मैंने नहीं लिया। जा जा तुझे माफ किया, सिर्फ मुंह पर बहन कहने वाले। जा तुझे माफ किया। और एक वो है जो ना सिर्फ मुंह पर बहन कहते हैं बल्कि भाई बनकर भी दिखाते हैं, वो ही असल पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जनाब, जनाब मुसर्रत खलील जैसे, औरतों की इज्जत करते हैं और करवाते भी हैं। फ्रेंड्स, जनाब सैयद मुसर्रत खलील को मेरे लिए वो गंदा मैसेज भेजा गया था। वो एक काबिल सताई शख्स हैं, उन्होंने शरीफ और गैरतमंद होने का सबूत दिया, फितने के खिलाफ एक्शन लिया। इस तरह के गयूर और बहादुर पाकिस्तानी मर्द जब तक इस दुनिया में है, हम खवातीन बाइज्जत तरीके से जीने का अपना हक हासिल करती रहेंगी। जनाब सैयद मुसर्रत खलील की वजह से ही अब भी इस दुनिया में इंसानियत और गैरत कायम है। इन जैसे लोगों की वजह से ये दुनिया खूबसूरत है और हम खवातीन को इज्जत के साथ जिंदा रहने का हक मिलता है। सैल्यूट टू जनाब सैयद मुसर्रत खलील, तमाम खवातीन आपकी बहुत शुक्रगुजार हैं। जद्दा कौंसलेट के कौंसल इंचार्ज बराए मीडिया अफेयर्स जनाब सैयद हमजा गिलानी को ये जेब नहीं देता कि वो जनाब शाहिद नईम की पुश्त पनाही करें। वो मुझसे मेरी वीडियो को डिलीट करने के लिए दबाव डालते रहे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने वो वीडियो देखी है, तो उन्होंने बड़ी मगरूरियत वाले लहजे में कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। वाजी वाह, जब आपने वीडियो देखी ही नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इससे कोई पाकिस्तान की बदनामी हुई है? ये तो सिर्फ वीडियो डिलीट करवाने का अच्छा बहाना है। आप ये तो बताइए कि आप शाहिद नईम को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम वाले तारकीन वतन की जद्दा कौंसलेट से नाराजगियों का हाल अगर कवर ना भी करें जनाब सैयद हमजा गिलानी की खुशनूदी में, तो अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है जनाब। तारकीन वतन ये शिकायत और मसाइल डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। अरे कोई बहरा भी सुन सकता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बार 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 कहा है कि पाकिस्तानी मर्द खवातीन की इज्जत करते हैं। यकीनन जनाब शाहिद नईम जैसे लोग पाकिस्तान की तर्जुमानी नहीं करते, पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हैं जनाब सैयद मुसर्रत खलील जैसे लोग। फिर भी वीडियो डिलीट करवाने के लिए बहाना साजी कर रहे हैं। वो मेरी सलाही वीडियो है जनाब, वो डिलीट नहीं हो सकती। और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा खाया, वो औरतें जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे मुजाहरों में गंदे गंदे मैनर लेकर खड़ी होती हैं, और भी बहुत सारी मिसालें हैं सबको पता है, तो जनाब उन सब को छोड़कर मेरे ये मुन्ना पुन्ना चुन्ना सा मासूम सा मसाला, जिसका मैंने साफ साफ सबूत भी पेश किया है, और उस वीडियो में हजार बार मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी तो गयूर होते हैं, वो तो ऐसे होते ही नहीं है जनाब, मैं तो खुद पाकिस्तानी की बेटी हूँ, मुझे पता है। तो जनाब सैयद हमजा गिलानी साहब, आपका काम है कि आप सऊदी मीडिया से दोस्ती करें, मगर आपने तो हम सऊदी मीडिया वालों से लड़ाइयां ही शुरू कर दी हैं। ऐसे कैसे काम कर रहे हैं आप? आइए खवातीन का एहतराम करके जिए। तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मैं ये टास्क दे रही हूँ कि जो सबसे अच्छी वीडियोस बनाएगा खवातीन के एहतराम पर,
और दूसरी मर्दों के एहतराम पर भी, तो समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से उसको मिलेंगे दो प्यारे से इनाम दोनों कैटेगरीज की वीडियो पर। और याद रखें कि हर वीडियो 60 सेकंड्स के अंदर अंदर हो। आप एक से ज्यादा वीडियोस भी बना सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन वीडियोस मुहज़्ज़ब हों। तो अपनी एंट्री आप vtransfer.com के जरिए contact@samiraaziz-group.com पर 15 नवंबर तक तो भिजवा ही दें, ठीक है? एंड सपोर्ट इज माइन।